और चलिए कुछ खबरें देखते हैं एक नजर में। गोवा के दाबोली में एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होते होते बच गया। यहाँ जेट एयरवेज की गोवा मुंबई की फ्लाइट हादसे का शिकार हो गई। जेट एयरवेज की फ्लाइट नंबर 9W2374 टेक ऑफ करते वक्त रनवे पर फिसल गई। हादसे के वक्त प्लेन में 154 यात्री और 7 क्रू मेंबर सवार थे। हादसे के बाद सभी यात्रियों और क्रू मेंबर को प्लेन से सुरक्षित निकाल लिया गया। कोहरे के कारण दिल्ली तरफ आने वाली 32 ट्रेनें देर से चल रही हैं, जबकि 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कोहरे का असर फ्लाइट्स पर भी पड़ रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 8 इंटरनेशनल और 7 डोमेस्टिक फ्लाइट्स लेट हैं। कोहरे और ठंड के कारण यूपी में 2 दिन के लिए सभी स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 28 दिसंबर को महोबा में एक सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। अखिलेश उसके बाद सड़क मार्ग से झांसी जाएंगे। 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव झांसी के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में लैपटॉप और कन्या विद्याधन वितरण करेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी पर टिकट बेचने का फिर आरोप लगा है। पार्टी ने SC ST विंग के नेता तरसीम सिंह ने पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह पर चुनाव टिकट के बदले 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है। तरसीम के मुताबिक उस वक्त पार्टी नेता दुर्गेश पाठक भी मौजूद थे। तरसीम का आरोप यह भी है कि आपने दलितों को किनारा कर दिया है। पाकिस्तान के कराची के माले जेल से रिहा किए गए 220 भारतीय मछुआरे अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस देश लौट आए हैं। ये सभी मछुआरे 1 साल पहले मछली पकड़ते हुए पाकिस्तान की सीमा वाले समुद्र में घुस गए थे और इन मछुआरों को लाहौर में ट्रेन में बिठाया गया, जहां से वाघा बॉर्डर ले जाकर इन्हें भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया। दिल्ली पुलिस ने हरिनगर इलाके में एक कार से 3 किलो की सोने की ईंट बरामद की है। 23 दिसंबर को 1 करोड़ रुपए की कीमत वाली इस ईंट को हरिनगर के एक ज्वेलर से लूटा गया था। 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। हैदराबाद पुलिस ने एक शख्स को नए नोट और सोने के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस शख्स के पास से 506 ग्राम सोना जब्त किया है। इस शख्स ने 15,08,000 रुपए की करेंसी 2,000 के नए नोट के तौर पर मिली है। छत्तीसगढ़ के बेमतरा में टमाटर के वाजिब दाम नहीं मिलने से नाराज किसानों ने 70 ट्रैक्टर टमाटर सड़कों पर फेंक दिया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चैक के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालात ये हैं कि 25 पैसे किलो में भी टमाटर को व्यापारी लेने के लिए तैयार नहीं है।